सुप्रिटेंडेंट हम मेडिकल कॉलेज चंबा के पास आए हैं और हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये जनता के लिए है क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टमार्टम हाउस है उसकी हालत बहुत दयनीय है। हम दो तीन बार वहाँ पे गए और वो नीचे से सारा निकल चुका है, लेंटर के और बीम के सहारे वो टिका हुआ है और वहाँ पे पोस्टमार्टम करना भी बहुत मुश्किल है। जहाँ तक लोगों की जिंदगी का सवाल है वहीं स्टाफ का भी बहुत मुश्किल है। जो वहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। पिछले कुछ दिनों में हमारे विधायक साहब ने यहाँ घोषणा की थी कि मैंने उस एरिया के लिए अपनी निधि से पैसा दिया, ना जाने वो पैसा कहाँ है, आज तक तो वहाँ कोई कार्य नहीं। यहाँ पे जो कर्सना लैब है उसके बाहर खड़े होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, डस्ट प्रॉपर नहीं हो रही है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे ओपीडी में जब सीनियर सिटीजन आते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है, और यही मेमोरेंडम हमने एक साल पहले भी दिया था लेकिन इस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम फिर इनके माध्यम से ये प्रशासन को मतलब ध्यान लाना चाहते हैं प्रशासन के कि इस कार्य को अति शीघ्र कराया जा सके ताकि चंबा की जनता को पूरा सहयोग मिल सके, उनकी जो समस्याओं का समाधान हो सके। ये मेरा निवेदन है और मेडिकल स्टूडेंट महोदय के से हमारा ये और आपसे हमें उम्मीद भी थी कि आप आते कुछ ऐसा करते। आप कभी गए हैं वहाँ नीचे जब वहाँ वो होता है पोस्टमार्टम होता है? मैं ध्यान में सर नहीं, ध्यान वाली बात डॉक्टर साहब ऐसी है कि वहाँ तो जिंदगी के दांव पे लगाने वाली बात है। ऊपर से लेंटर गिरा है कब का, उसको गिरे हुए भी 2 साल हो गए और विधायक जी ने बोला कि मैंने वहाँ की मरम्मत करनी है वो करनी। आप बच्चों को वहाँ उस पे भेज रहे हैं कि वो गिर जाए, वहाँ जो स्टाफ है पुलिस का पंचनामा जब करते हैं, है जब एनजीओ के लोग वहाँ खड़े होते हैं उनके परिवार भी खड़े होते हैं, है ना, और वहाँ पानी की व्यवस्था देखे, वहाँ लाइट नहीं है और ट्रॉली नीचे ले जाने के लिए नहीं है, वो बुच्चड़खाने भी उससे बढ़िया होते हैं। और आप अगर अगर ऐसी वो है आपको कोई दिक्कत है तो कहीं 2 कमरे और दो, और आप जब हॉस्पिटल में आप जब रोजाना बाहर जाते हैं तो कल भी 2 को चक्कर आए बुजुर्गों को कृष्णा लैब के बाहर, है ना, सुबह आप आइए 6 बजे यहाँ किसी का लैब टेस्ट कराना कोई काम मेरे को बोर्ड बता दो कि कहाँ रहेगा वो, और कृष्णा लैब वाले पहले बोलते फोटोस्टेट लाओ। कल एक बच्चा भूखा था और उसके वो नहीं ले रहा था उसका ब्लड सैंपल, तो आप फोटोस्टेट सुबह मिलेगी नहीं। इस बारे में पहले भी बात हुई थी जब हमारे अशोक जी थे, अपने देवेंद्र जी थे, तब भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं वो सैंपल लेगा और उसको बाद में करवाएगा, और इसका कोई है नहीं, ओपीडी का नंबर लेंगे। और उसके बाद आप आपके स्टाफ की गाड़ियां वहां जब खड़ी है 3-3 महीने से पर्सनल गाड़ियां खड़ी है, और आप आपके ड्यूटी वाले हम नहीं चाहते कि वो आप सड़क पे खड़े करते, हम वहां पे कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से अपना पेशेंट नहीं निकाल सकता। और सुबह आइए ईसीजी वाला बोलता है मेरे पास आओ, वो बेड पे नहीं करता है। छोटी छोटी बातों के लिए हम लोगों को परेशानी है तब आते हैं हम लोगों के लिए, और या तो ये जान करके है या आप विजिट नहीं करते हैं। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि इसमें 2 दिन में अगर इसमें संज्ञान नहीं लिया तो मैं घेराव करूंगा सब हमारे लोग, और ये आप एक इंसानियत के नाते और इसको करें अपने लेवल पे, नहीं तो हमें आता है फिर इसको ठीक करना कि आप पोस्टमार्टम के लिए। सर आप कितनी बार पत्रकार बंधुओं ने कहा, आपको आम जन ने कहा, हर एनजीओ ने कहा, उसके बावजूद तो या तो जान के कर रहे हैं या फिर सोच लिए कि चंबा की जनता का तो कुछ है ही नहीं, उनका तो कोई सुनने वाला ही नहीं। तो इस बारे में आप 2 दिन में संज्ञान लीजिए वरना हम घेराव करेंगे। देखिए सर, इसमें जो समस्याएं लिखी हैं मेरे जो काफ़ी सारी समस्याएं जो हमारे ध्यान में हैं, और जो जैसे कि उन्होंने बताया कि मोहरश्री जो है जैसे जहाँ पोस्टमार्टम किया जाता है उसके जो भवन है उसके हालत जर्जर है, इसके लिए हमने विभाग को जो लोक निर्माण विभाग है उनको एस्टिमेट के लिए लिखा हुआ है, और अभी इसका दोबारा से हम रिव्यू करेंगे कहाँ तक इसका एस्टिमेट पहुँचा है। और जहाँ तक कृष्णा लैब के जो इन्होंने बताया कि फोटोस्टैट वाली मशीन नहीं थी, मैंने उनको प्रशासन को कल बुलाया था और कल ये मशीन ठीक करने के लिए भेज दी है, और आज हम फिर उनसे फीडबैक लेंगे कि ठीक हुई है कि नहीं हुई है।
बाकी ओपीडी में जहाँ तक इन्होंने लिखा है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो हमने इसमें एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी में, इसमें वरिष्ठ नागरिकों की एक लाइन हमने अलग कर दी है। और जो ओपीडी में थोड़ा एक जो इसमें पॉइंट नहीं भी है, उसमें जो फैंस नहीं थे तो हमने दो फैन कल लगवा दिए, दो फैन आज लगवा रहे हैं और एक एक फ्लोर पे ऑलरेडी लगे हुए हैं दो। तो इसमें जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्या बैठने की है, उसमें स्पेस की कंस्ट्रेंट्स हैं, जगह वहाँ कम है, तो आने वाले टाइम में कुछ एक ओपीडी जो है वो नए अस्पताल में शिफ्ट होंगी, तो जब स्पेस बनेगा तो वरिष्ठ नागरिकों की समस्या जो है ओपीडी में भी ये इसको इसका समाधान हो जाएगा। बाकी इसमें जो विभाग की निजी वाहन है, इसके लिए मैंने खुद जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके तीन चार दिन बाद मैंने खुद वहाँ विजिट किया और रैंप में भी गाड़ियाँ लगी हैं और इनको विभाग को जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको भी लिखा हमने और प्रिंसिपल साहब से बात की है कि इनको हिदायत दी जाए कि गाड़ियाँ यहाँ से हटाएँ ताकि मरीजों को जो ट्रांसपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये जो इन्होंने लिखा है कि जिसमें जो कृष्णा लैब के बाहर जो लैब टेस्ट होते हैं उसमें मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ही आज भी जैसे बारिश है तो वहाँ पे शेड का जो निर्माण है उसको मेरे हमारे ध्यान में, और पीछे कुछ दिनों से जैसे मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद जो आचार संहिता वो लग गई थी, तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारी ऑलमोस्ट इसके हम प्रोसेस में नहीं कर पाए। बातें सारी सर हमारे ध्यान में है और आने वाले समय में इसका हमारी प्रशासन की कोशिश रहेगी इनको जो है समाधान किया जाए।